नागपुर विवाद के बाद सुर्खियों में आए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जल्द ही शादी करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही शादी करेंगे, हालांकि उनकी शादी किसके साथ होगी इसे लेकर उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। बागेश्वर धाम में सोमवार मंगलवार की रात दिव्य दरबार लगाया गया था। यहां बागेश्वर महाराज ने अपनी शादी के बारे में जानकारी दी। बागेश्वर धाम सरकार ने यह भी साफ किया कि उनकी शादी में ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। बता दें कि नागपुर में हुए विवाद के बाद बागेश्वर सरकार ने रायपुर में लाइव डेमो दिया था। नागपुर की एक संस्था ने बागेश्वर सरकार पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया था। अपनी शादी के बारे में चर्चा करते हुए बागेश्वर महाराज ने कहा कि देखिए, हम कोई चमत्कारी साधु संत या महात्मा नहीं है, हम एक साधारण इंसान हैं। हम बालाजी की सेवा करते हैं, हमारी शादी की बात चलती रहती है, हम जल्द ही शादी करेंगे। उन्होंने कहा कि शादी में सभी लोगों को बुलाया नहीं जा सकता है, इसलिए हम इसका लाइव प्रसारण करवा देंगे। अपनी शादी के बारे में उन्होंने एक निजी चैनल में कहा था कि उन्होंने शादी करने के लिए अपने गुरुजी और हनुमान जी से अनुमति ले ली है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि शादी के बाद उनकी शक्तियों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बता दें कि इन दिनों बागेश्वर धाम में गरीब लड़कियों के सामूहिक शादी की तैयारियां चल रही है। बागेश्वर धाम में हर साल गरीब लड़कियों की सामूहिक शादी का आयोजन किया जाता है। बागेश्वर महाराज ने कहा था कि सामूहिक शादी में लड़कियों को उनकी गृहस्थी का सारा सामान दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूँ आरती। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए मृदुभाषी के साथ।